देखिए अरविंद केजरीवाल की एक साल की उपलब्धियां जीरो हैं, एक साल दिल्ली बेहाल। दिल्ली को विकास की रास्ते पर ले जाने की जो उन्होंने बातें कही थी, चाहे वो बिजली की हो, फ्री हाफ बिजली हो, फ्री पानी हो, या फिर प्रदूषण मुक्त दिल्ली की बात कही थी, वो सिर्फ और सिर्फ नारे बनकर रह गए हैं। आज दिल्ली के अंदर हर व्यक्ति अरविंद केजरीवाल के होर्डिंग पोस्टर देख देख कर परेशान हो गया है कि वो सिर्फ अपनी बातें, अपने कामों का प्रचार करने में मशगूल रहते हैं, जबकि जमीन पर कोई काम नहीं करते। सरकार का जो मुख्य जिम्मेदारी होती है कि ऐसे संकट के समय में उनको सहायता पहुंचाए, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दे, और शायद ये बात मैं एक राजनीतिक दल के प्रमुख होने के नाते, विपक्षी दल के प्रमुख होने के नाते कह रहा हूं, ये बात कोर्ट ने, माननीय अदालत ने भी उनको तीन तीन चार चार बार फटकार लगाई कि दिल्ली के अंदर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो सुधरनी चाहिए। नमस्कार, मैं कृष्णकांत शर्मा और आप देख रहे हैं असल न्यूज। आपको बता दें कि आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सीधा सीधा जो निशाना है वो दिल्ली सरकार पर साधा है, वह केजरीवाल के ऊपर साधा है। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली सरकार को आज पूरा पूरा एक साल हो गया, उनके दूसरे कार्यकाल को एक साल हो गया है, और अगर हम उनके कार्यों की बात करें, उनके अचीवमेंट की बात करें, तो अगर मैं उनको नंबर दूँ तो शायद जीरो भी काफ़ी बड़ा नंबर हो, क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। जहां पर पूरा देश जो है, पूरी की पूरी दिल्ली जो है कोविड-19 की महामारी की चपेट में थी, वहीं पर जो केजरीवाल हैं वह सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उनके नेताओं की बात करें तो वह सिर्फ अपनी बयानबाजी में लगे हुए थे। उन्होंने जनता के लिए कुछ काम नहीं किया। जहां पर जनता को मदद की ज़रूरत थी, जहां पर जनता चाहती थी कि सरकार उनकी मदद करे, वहां पर केजरीवाल ने कोई कदम नहीं उठाए। उन्होंने जनता की कोई सहायता नहीं की, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके ऊपर जो है फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भी उनको कई बार, तीन से चार बार जो है फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली की जनता की सहायता करे, दिल्ली की जनता की मदद करे। इससे बुरा और क्या हो सकता है कि जब कोर्ट उनकी सरकार को फटकार लगा रहा हो, क्योंकि जहां पे कोविड-19 की संख्या जो दिल्ली के अंदर बढ़ रही थी, लगातार जो अस्पताल भर रहे थे, वैसे में जो अस्पताल में बेड की ज़रूरत थी, लेकिन केजरीवाल ने उनको ना सुविधा पहुंचाई, और जो सुविधा जो पहुंचाई है वो बहुत ही धीमी थी, बहुत ही उसकी जो गति थी वो इतनी तेज़ नहीं थी कि लोगों को जो ठीक टाइम पर सुविधा पहुँचाई जा सके। तो इस बार केजरीवाल सरकार ने सिर्फ बयानबाजी के अलावा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा दिल्ली की जनता को कुछ नहीं दिया। दिल्ली की जनता को ना कोई सुविधाएं दी, ना कोई उनको ऐसी स्थिति में रखा जो जिससे कि वह सुरक्षित रह सके। इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे असल न्यूज़।